मेरे काफ़ी मेहमान आए, उन्होंने भी कहा कि हमें फिर जो है कारखानों मार्केट विजिट कराओ। कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है वो यहाँ पर इस मार्केट में अवेलेबल होगा। ये तो मोबाइल डांस लड़ा गए पचास रुपए 25 रुपए राके गाइस, दिस इज मोहम्मद वजाज हुसैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं कारखानों मार्केट और कारखानों मार्केट का रिव्यू करते हैं। यहाँ पर बहुत सी शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आते हैं, इधर विजिट करते हैं। पेशावर की बहुत बड़ी मार्केट है और सिटीज से भी जितने लोग आते हैं यहाँ पर तो वो कारखानों को ही प्रेफर करते हैं। मेरे काफ़ी मेहमान आए, उन्होंने भी कहा कि हमें फिर जो है कारखानों मार्केट विजिट कराओ, हम यहाँ पर जो है परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। जो गन वाला आपको चाहिए ना वो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी ए टू जेड। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है पेशावर में और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है हमें, गला सूखा हुआ है। तभी हम यहाँ पर गुड़ का शरबत पीते हैं, थोड़ी अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे हम कारखानों मार्केट पे व्लॉग बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा जूस, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप जब भी आए तो यहाँ पर विज़िट करें गुड़कोला और ज़रूर पिए और अपनी प्यास बुझाएं, क्योंकि गर्मी में आके सिर्फ प्यास गुड़कोला ही बुझा सकता है। तो व्यूअर्स, अभी हमें थोड़ी एनर्जी आ गई है गुड़कोला पीने के बाद। अभी हमें कम मार्केट में एंटर हुए हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको ईजी होगा परचेजिंग करने में। व्यूअर्स, ये है ताज मार्केट। ताज मार्केट आप लोग विज़िट करो तो यहाँ पर आपको सारी कॉस्मेटिक की शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी कॉस्मेटिक से रिलेटेड हैं और आपको सारी शॉप जो है वो कॉस्मेटिक की मिलती है। आपको जो चीज़ चाहिए कॉस्मेटिक की तो रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी ताज मार्केट में। तो आप जब भी कारखानों विज़िट करें तो ताज मार्केट ज़रूर विज़िट करना, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं कॉस्मेटिक की। यहाँ पर कॉस्मेटिक का ज़्यादा, ये बच्चों के पैम्पर वगैरह हैं, ये पैम्पर वगैरह आप लोग जो है ख़रीद सकते हैं। ये कॉस्मेटिक की शॉप है, कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है वो यहाँ पर इस मार्केट में अवेलेबल होगा। इस मार्केट में अब जितनी भी शॉप्स होंगी वो कॉस्मेटिक की आपको मिलेंगी, क्योंकि यह मार्केट ही कॉस्मेटिक की है। सामने देख सकते हैं आप, सामने भी जितनी शॉप्स हैं वो सारी कॉस्मेटिक की हैं, नीचे भी सारी कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं। ये कॉस्मेटिक की शॉप है तो यहाँ पर सारी आपको कॉस्मेटिक की शॉप्स मिलेंगी। ये मार्केट है कॉस्मेटिक की, बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब भी आप विज़िट करें तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना इस मार्केट को। तो व्यूअर्स, ये खिलौनों का स्टॉल है, वहीं नीचे नोटबुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, रजिस्टर्स हैं। ये देखे जा डांस लड़ा गले पकार से गप शप लड़ा गए 50-50 रुपए की बता 25 रुपए राके जरूर है वीडियो बंद है 25 रुपए राके। तो ये देखा गाइस, यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं। आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, हम लोग ले सकते हैं। तो एक और स्टॉल है, यहाँ पर हम आए हैं, ये एक स्टॉल एक और है, यहाँ पर भी खिलौने मिल रहे हैं और ये रजिस्टर्स वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, पेंसिल का पूरा पैकेट रजिस्टर। तो ये सारी मार्केट जो है उस पर है ये स्टेशनरी वगैरह की शॉप्स है यहाँ पर, और आप लोगों को खिलौने वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन खिलौने की अपनी भी एक मार्केट है, वो उसमें सारे जो है खिलौने हैं। जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो मैं उस मार्केट विज़िट करता था, तो खिलौने में वहाँ से परचेस किया करता था। नहीं आप लोग कारखानों मार्केट आए तो देखो, पर शिनवारी होटल भी है
और होटल भी यहाँ पर, बाबा ओली यहाँ पर सबसे मशहूर है, लेकिन बाबा ओली 3-4 हैं, तो उसमें जो सही वाला है वो आप लोगों को खुद ही तलाश करना है कि सही वाला है, उसका टेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की भी देखें, काफ़ी दुकानें भी मैंने देखी हैं, और ये हम एक तो मार्केट में एंटर हुए हैं, यहाँ पर सारी ड्राई फ्रूट की शॉप्स हैं, ये देखें आप। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, ये इस शॉप का नाम है, ये दुकान नंबर 5 आप इंटर होंगे, तो ये ड्राई फ्रूट की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा अंकल भी है, अंकल अस्सलाम वालेकुम। तो ये ना कि ड्राई फ्रूट की शॉप है, और यहाँ पर आपको और चीज़ें भी मिलती हैं, देखें आप, यहाँ पर आपको ऑयल वगैरह भी मिलेगा, टॉफीज़ वगैरह भी आप लोगों को अवेलेबल हैं, तो जब भी आप लोग आएँ तो इस शॉप पर विज़िट करें, ये 5 नंबर की शॉप है, मार्केट में इंटर होते ही, सितारा मार्केट है ये, सितारा मार्केट। तो यहाँ पर और शॉप्स भी हैं, काफ़ी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है। आगे अभी जो शॉप शुरू होती है, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की भी कुछ शुरू होती हैं, कुछ टी शर्ट्स वगैरह की भी शॉप है, ये टी शर्ट की शॉप है, ये सामने कॉस्मेटिक की शॉप है, ये भी हम आगे इंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये भी ट्राउज़र्स वगैरह टी शर्ट की शॉप है, ये कॉस्मेटिक की है, और ये जो जिम वगैरह जाते हैं दोनों के लिए प्रोटीन वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये भी कॉस्मेटिक की शॉप है, ये कॉस्मेटिक की ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट ही कॉस्मेटिक है, तो सितारा मार्केट आप लोग जब भी हैं यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक जो है ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, तो ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो कॉस्मेटिक की हैं यहाँ पर। तो ये देखना, ये एक बुक शॉप हमें मिली है, बुक शॉप है यहाँ पर, इस साइड पर ही आप लोगों को जो है उसकी मिलेगी शॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप आप लोगों को मिलेंगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ख़रीदारी होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को जो है यहाँ पर मिलती हैं, और यहाँ पर आप लोगों को मिल सकते हैं, देखें टॉवल्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, तो दुनिया की हर एक चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगी। तो ये कॉस्मेटिक की कोर शॉप है, तो सारी ये ज़्यादातर यहाँ पर कॉस्मेटिक के सितारा मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप्स आप लोगों को मिलेंगी अवेलेबल। तो इस तो यहाँ पर पार्किंग भी आप लोगों को मिलता है, अगर आप लोग गाड़ी में आते हैं तो पार्किंग भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर एक और शर्ट की शॉप है, ये हम देखें, ये एक और शर्ट की शॉप है, यहाँ पर शर्ट भी है, सॉक्स वगैरह भी अवेलेबल है, यहाँ पर आपको चाकू वगैरह, दूरबीनें, लाइट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो व्यूवर्स, ये सितारा मार्केट है, कारखानों जो है कारखानों, जब भी आप विज़िट करें तो ये सितारा मार्केट अगर आप लोग विज़िट करें तो यहाँ पर आप लोगों को कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिलेंगी, और भी यहाँ पर काफ़ी वैरायटी मौजूद है, तो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट की, स्टार्ट में तो आपको ड्राई फ्रूट की मिलेंगी, और उसके बाद जब आप इंटर होते हैं आगे जाते हैं तो उसमें आप लोगों को जो है ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स की शॉप मिलेंगी, और 4-5 ऐसी शॉप्स हैं जो शर्ट्स की हैं, और कुछ ऐसी शॉप्स हैं जिसमें आप लोगों को जो है और काफ़ी वैरायटी मिलती है देखने को। तो ये आप लोग जब भी यहाँ पर विज़िट करें तो ये ड्राई फ्रूट चाहिए हो तो ये आप लोगों को यहाँ पर ही मिल सकता है। ये अभी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पर हम अभी बैठेंगे, थोड़ा लोबिया इंजॉय करते हैं, लोबिया यहाँ का बहुत मशहूर लोबिया है, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, तो भूख मिटाने के लिए थोड़ा लोबिया इंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, ये अभी हम एक और मार्केट में एंटर हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप है वो मोबाइल रिपेयरिंग की हैं, और मोबाइल यहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं वो ज़्यादातर मोबाइल से रिलेटेड है, और मोबाइल एक्सेसरी से रिलेटेड है शॉप। तो ये देखिए आप, ज़्यादातर मोबाइल एक्सेसरीज मोबाइल की शॉप्स हैं, ये ओप्पो मोबाइल।
एक और मार्केट में हम एंटर हुए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं। यह मार्केट जो है शिनवारी प्लाज़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ये एलईडी वगैरह आप देख सकते हैं शिनवारी प्लाज़ा में। ये देखें एलईडी की दुकान, एलसीडी एलईडी आप लोगों को चाहिए हो तो ये उसकी शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये साथ ग्लासेस की शॉप है। ख़राब हो जाए यह बस इधर तक ही है शिनवारी प्लाज़ा। जाने का टिकट है डायरेक्ट। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कंस्ट्रक्शन होगी उसके बाद और भी वसी हो जाएगा। प्लाज़ा में एंटर हुए एसएस प्लाज़ा, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं। ये देखिए आप लोगों को जो किचन का जो सामान है, ये चूल्हा वगैरह मिलता है, माइक्रोवेव जूसर, यहाँ पर आप लोगों को कम्बल वगैरह मिलते हैं। ये देखिए फिर जो है जूसर वगैरह इन चीज़ों की शॉप्स हैं, प्लेट्स वगैरह डिनर सेट वगैरह आप लोग अगर परचेज़ करना चाहें। ये टॉवल्स वगैरह की शॉप है, टॉवल वगैरह। ये गेमिंग की शॉप है, यहाँ पर जितनी भी गेमिंग्स की चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। ये परफ्यूम्स वगैरह की शॉप है, परफ्यूम अगर आप लेना चाहें। ये एक और गेमिंग शॉप आ गई, यहाँ पर गेमिंग, यहाँ पर सारी मिक्स शॉप है एसएस। यहाँ पर ज़्यादातर गेम्स की जो हैं शॉप्स हैं, गेम्स वगैरह अगर आप पसंद हैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर गेम्स की शॉप नज़र आएंगी। छोटा सा इंट्रो था कारखानों मार्केट का, तो ये कुछ मार्केटें मैंने आपको बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। यहाँ पर आपको गेमिंग की चीज़ें भी मिल सकती हैं, और बाकी आप अगर फीमेल हैं और आप अपना दहेज बनाना चाहती हैं तो ज़्यादातर लोग इसी कारखानों मार्केट से जो है दहेज वगैरह अपना ख़रीदते हैं, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होते हैं यहाँ पर। दोनों को बहुत इजी जो है यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैंने आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई जो आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, बहुत कम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो जो चीज़ आपको ढूँढनी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोगों से पता करें कि उसकी कौन सी स्पेसिफ़िक मार्केट है, तो उसकी अपनी एक स्पेसिफ़िक मार्केट होती है, तो उस स्पेसिफ़िक मार्केट में आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेस्ट ऑफ लक, वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।